हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स को हमें सॉल्व करना है या फिर इसका सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन y इज इक्वल टू क्या है, e रेस्ट टू x अपॉन साइन x है। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स और यहाँ पे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस्ट टू x अपॉन साइन x। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमेरेटर का डेरिवेशन करेंगे, उस टाइम पे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस, अब ई रेस टू एक्स को एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी क्या है साइन एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स का क्या डेरिवेशन होता है दोस्तों, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन होता है डी बाई डी, यहाँ पे ई रेस टू एक्स का, तो ई रेस टू एक्स ही रहेगा और यहाँ पे ई रेस टू एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, तो कोस एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, कोस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फाइनली जो आंसर यहाँ पे रहेगा आपका, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो एक बार साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ई रेस टू एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे एक बार, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और वन अपॉन साइन एक्स, वन अपॉन साइन एक्स यानी कि क्या होता है कोसेक एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है कोसेक एक्स। बाद में यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, ई रेस टू एक्स एज इट इज कोस अपॉन साइन एन की माइनस ई रेस टू एक्स एज इट इज कोस अपॉन साइन एन की कोट एक्स और वन अपॉन साइन एन की कोसेक एक्स। आपका फाइनल आंसर ऐसा जो यहाँ पे ऊपर लिखा उसी तरह से ई रेस टू एक्स कोसेक एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कोट एक्स कोसेक एक्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस फटाफट समझ लेते हैं, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेशन करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले ई रेस टू एक्स है उसमें e रेस टू एक्स का न्यूमेरेटर का डेरिवेशन करेंगे, उस टाइम पे साइन एक्स एज इट इज रहेगा, तो साइन एक्स एज इट इज e रेस टू एक्स का डेरिवेशन, बाद में e रेस टू एक्स को एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेशन करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है यू अपॉन वी का डेरिवेशन, यानी कि क्या होता है वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी का स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स होता है और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, नीचे डिनोमीटर में साइन स्क्वायर एक्स, तो ई रेस टू एक्स साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ई रेस टू एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर नीचे था तो एक्स साइन कैंसिल हो गए, तो ई रेस टू एक्स अपॉन वन अपॉन साइन एक्स यानी कि क्या होता है कोसेक एक्स हो जाता है, कोस अपॉन साइन यानी कि कोट होता है और एक एक्स साइन एक्स नीचे बचेगा उसका क्या हो जाएगा कोसेक एक्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज, हैव अ नाइस डे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बाय बाय।